पीरियड्स पर बात करने वाले अक्षय कुमार एड्स पर नहीं बनाना चाहते फिल्म। रोमांस एक्शन के बाद एक और जहां अक्षय कुमार सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में काम करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे एक डायरेक्टर को पिछले कई दिनों से टरका रहे हैं क्योंकि वे उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहते हैं। ये डायरेक्टर है प्रियदर्शन, जो कि अक्षय कुमार को लेकर एड्स जैसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म पैडमैन के दौरान पीरियड्स जैसे विषय पर खुलकर बात करने वाले अक्षय एड्स पर बन रही फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने फर्स्ट पीरियड शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसे सोमवार को यूट्यूब पर जारी किया गया है। खबरों की माने तो डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म को लेकर अक्षय उत्साहित नहीं है। प्रियदर्शन कई बार फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर अक्षय के पास जा चुके हैं, लेकिन हर बार बात नहीं बन पाई है, लेकिन हर बार वे मना कर चुके हैं। इसके अलावा अक्षय भूषण कुमार की मुगल में भी नजर आने वाले थे, लेकिन मेकर्स और अक्षय के बीच पैसों को लेकर बात नहीं बनी। उन्होंने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो एक साउथ फिल्म का रीमेक बनाने की बात भी चल रही थी, लेकिन अक्षय ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अक्षय इन दिनों केसरी की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी फिल्म गोल्ड तैयार है और इसी साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना पैडमैन फिल्म के बाद एक बार फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन विषय पर अवेयर करने आगे आई है। शॉर्ट फिल्म फर्स्ट पीरियड्स को लेकर उनका मानना है कि ये एक जरूरी पॉइंट है जिस पर हर किसी को बात करनी चाहिए। हम आपको बता दें, ट्विंकल जिस फिल्म के रिपोर्ट में है वो एक शॉर्ट मूवी है। इसका विषय पैडमैन जैसा ही है। फिल्म को डायरेक्ट किया है मोजेज सिंह ने। इसके पहले मोजेज 2016 में फिल्म जुबान बना चुके हैं। फर्स्ट पीरियड की कहानी एक लड़के की नज़र से लिखी गई है। फर्स्ट पीरियड और उसके पहले दिन के बारे में उनका और उनके परिवार के पुरुषों की सोच क्या है, कहानी यही बताती है। मोजेज ने बताया कि दसरा द गेस्ट फाउंडेशन एनजीओ ने उनसे बात की और कहा कि वे चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुद्दे पर पुरुष भी अपनी सहभागिता बनाए। इसके बाद हमने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जो कि पूरी तरह से एक पुरुष की मानसिकता पर आधारित है कि वो क्या सोचते हैं, महिलाओं की दुनिया में फर्स्ट पीरियड कैसे सही है और उससे सशक्त बनाता है। शॉर्ट फिल्म फर्स्ट पीरियड को एक बेंचमार्क देने के लिए इसे स्पेशल डे पर रिलीज किया। सोमवार को दुनिया भर में वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिन ही फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया गया।